नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारा कुशीनगर एजुकेशन पे अपलोड हुए सारे वीडियोस जो हैं आप लोग देखते हैं, और अनुरोध है आपसे कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। अगर आप देखते हैं उनको ध्यान से, जैसे अभी आप देख रहे होंगे रिया चक्रवर्ती का जो मामला है, और न्यूज़ चैनल पर रोजाना पूरे दिन लगभग दिखा ही रहा है, तो इसमें हम लोगों को तो सॉरी बात, अभी सीबीआई जांच कर रही है इसलिए कोई बात सामने नहीं आई है, किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगाया जा सकता अभी। तो उसमें दो विभाग के नाम सामने आ रहे हैं, एक विभाग जिसको आप सीबीआई और एक एनसीबी, दोनों संवैधानिक डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों के नाम जो है सामने आ रहे हैं, इसको तो हमने देखा है। सीबीआई के विषय में तो जनरली सबको जानता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो हमारा विभाग है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये दो विभागों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में सीबीआई के विषय में तो हम लोग जानते हैं, अगर इसके विषय में और जानकारी के लिए जो है हम नहीं होगा तो अगले वीडियो में सीबीआई पर ही चर्चा कर लेंगे। अभी तत्काल जो हमारा वीडियो बनेगा और एक और वह एनसीबी पर, और एक हवाला नाम आप सुने होंगे, मतलब पैसे की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है यह सब, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग हवाला से शुरू करते हैं, उसके बाद से एनसीबी पर, अगर वीडियो में समय रह जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा बनता नहीं है, 10 से 12 मिनट का ही बनाते हैं, अगर समय रह जाएगा तो एनसीबी पर चर्चा कर लेंगे, वरना अगली वीडियो हमारी एनसीबी पे आएगी, उसके बाद वाली सीबीआई पर, ठीक है। तो हम हवाला पर देर न करते हुए हवाला पर चर्चा शुरू करते हैं। हवाला जो आप शब्द सुन रहे हैं, इसका अगर सीधा सा एक शब्द में बताया जाए तो यह पैसे की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ समय पहले तक 16-17 में शोर हुआ, ऐसा हुआ था, या उससे पहले भी गुजरात में, ऐसा नहीं सिर्फ गुजरात में, बहुत सारे जगहों पर चुनाव के समय में जो है जो बड़े बड़े राजनेता थे वह इस कार्य में लगे हुए थे। मीन्स वह जो थे हवाला के माध्यम से पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर कराते थे, वहां पर खर्चा करते थे। इसमें गुजरात के बड़े बड़े जो हीरा कारोबारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके नाम इनमें सामने आ रहे थे कि वह जो है हवाला का कार्य करते हैं। तो ऐसे में जो है हम समझते हैं कि आखिर हवाला क्या है जो इतना चर्चा में रहा था। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि सिंगापुर में, यहाँ पे सिंगापुर में जो है एक राम नाम का व्यक्ति है, ठीक, राम नाम लिखिए, मान लेते हैं सिंगापुर में एक रवि नाम का व्यक्ति है, ठीक है। यह गलत तरीके से जो है पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, सिंगापुर में ये चाहते हैं, और इनका एक दोस्त है, कहाँ है वो दोस्त, वो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, या फिर यहाँ जॉन कर दीजिए कि जॉन नाम के कोई व्यक्ति हैं और पैसा, ऐसा नहीं कोई भी हो सकता है वहाँ पे, और एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली में है, उनके दोस्त हैं, ठीक है, इनका नाम जो है दिल्ली में है, इनका नाम जो है वह मुकेश है, क्या है, मुकेश है। यह ज़्यादा रकम जो है इनके पास ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। पैसे में अगर ये बैंकिंग सिस्टम से ट्रांसफ़र करते हैं तो स्वाभाविक बात है पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, यह जो व्यक्ति है यह सिंगापुर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो हवाला का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हवाला एजेंट, हवाला एजेंट से मिलता है, इनसे ये बात करेंगे, मिस्टर जॉन ये बोलते हैं कि हमारी कुछ रकम है और उस पैसे को जो है आपको दिल्ली में हमारे एक दोस्त के पास पहुंचाना है, ठीक। यह जो होते हैं उसके बाद यह जो व्यक्ति है वह इनसे इनका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल, मीन्स हम कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनसे ले लेते हैं, मीन्स कॉन्टेक्ट डिटेल देता है, कॉन्टेक्ट डिटेल दे देता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वह इनसे जो है इनके माध्यम से यह जो है इनका कॉन्टेक्ट डिटेल भी ले लेता है, ठीक है, ताकि दिल्ली में जो इनका हवाला एजेंट दूसरा है, मीन्स
अब क्या करेगा ये हवाला एजेंट, अपना इसका एक ब्रांच होगा, हर एक शहर में इनका ब्रांच होता है, तो दिल्ली में जो हवाला का ब्रांच है ठीक है इनका, सिंगापुर का हवाला एजेंट है सिंगापुर का, अब इनका जो एक दोस्त या जो पूरा ब्रांच इनका दिल्ली में है यह उससे कॉन्टेक्ट करेंगे और ये पूरी जानकारी देंगे कि इनका अब ये जो है जितना पैसा भी ट्रांसफर करना होगा या पूरे पैसे को इनको दे देंगे, और यह जो होगा एक पासवर्ड बताएगा, क्या बताएगा एक पासवर्ड बताएगा, पासवर्ड बनाएगा, मान लीजिए कि यम एक पासवर्ड बताता है, यह इनको बताता है, और यह जो होते हैं इस पासवर्ड को अपने दोस्त को जो दिल्ली में है उसको भी बता देते हैं, तो इस यम कोड पासवर्ड जो है उसको इसने इनको बताया और इन्होंने इनको बता दिया। अब यह हवाला एजेंट दिल्ली में अपने ब्रांच में संपर्क करेगा, इन्होंने इसने इससे पूरे पैसे ले लिए और अपना जो कमीशन होगा उस कमीशन को काट के बाकी पूरे पैसे इनको ट्रांसफर कर देगा, कुछ कमीशन पे काम करते हैं। अब जो होगा यह जो दिल्ली ब्रांच में हवाला एजेंट है या क्या, इसको तो इनका कॉन्टेक्ट डिटेल इनके माध्यम से इनको मिल गया है, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल इनके माध्यम से दिल्ली वाले हवाला एजेंट को मिल गया है। अब दिल्ली वाला हवाला एजेंट इनसे कॉन्टेक्ट करेगा कि आपका जो सिंगापुर में बातचीत हुआ था वह रकम आप जा करके ले सकते हैं। अब क्या होगा यह इनको भी पासवर्ड बता देगा कि हमारा जो पासवर्ड है वह यम है, यह सिर्फ चार लोग जानेंगे जो पासवर्ड यम बताया जा रहा है, यह एक जॉन जो सिंगापुर में है, जॉन का हवाला एजेंट, और इनका जो सिंगापुर वाले हैं दिल्ली में उनका जो दोस्त है मुकेश, और जो हवाला एजेंट का ब्रांच है दिल्ली में वह, यही चार लोग जो है बस इसको जानेंगे, यह इनको पासवर्ड बता देगा, यह दिल्ली वाला जो हवाला एजेंट है वह मुकेश से कॉन्टेक्ट करेगा और फिर क्या करेगा जो पासवर्ड है वह इनसे पूछेगा कि आप अपना, यह कहेगा इनसे आप अपना पासवर्ड बताइए, तो यह जो है अपना पासवर्ड बताएंगे एम, फिर यह मिलान करेगा कि क्या जो हमने पासवर्ड इनको दिया था वही पासवर्ड है, अगर इनका पास भी यही पासवर्ड होता है तो मिल जाएंगे एम प्लस एम, तो दोनों मैच कर जाएगा, तो ऐसे में यह क्या करेगा इनको इनका पैसा दे देगा, तो इस तरह से जो है यह पैसा सिंगापुर से होते हुए हवाला एजेंट के माध्यम से इंडिया के दिल्ली तक पहुंच गया। अगर ये मैच नहीं करता है तो जो समझ जाते हैं ये कि कोई और व्यक्ति है जो इस पूरे जो इनका सर्किल बना हुआ है उस उनके षड्यंत्र को फेल कर रहा है, तो ऐसे में या तो अभी इनका काम है बहुत सारे गलत हथकंडे भी अपना रहता है तो इनको मार देते हैं, अगर ये गलत व्यक्ति है, असली व्यक्ति जिसको जाना चाहिए था वो ना जा करके कोई गलत व्यक्ति जाता है, उसके बाद से हवाला एजेंट क्या करते हैं उनके साथ वो जाने, लेकिन यह जो हमारा हवाला का काला पैसे की कालाबाजारी थी वह यही है हवाला कि सिंगापुर से कैसे दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो 2016 में 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो 500 और 1000 के जब नोट बंद हुए तो इन लोगों का जो पूरा चैन था यह चैन पूरा टूट गया था, जिसकी वजह से कुछ समय तक जो है इन पर समझिए इनका कारोबार ही ठप पड़ गया था। अभी क्या स्थिति है ये तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसे जुड़े हुए मामले भी सामने आ नहीं रहे, और अच्छा ही होगा कि ये सारी चीज़ें खत्म भी हो जाए ताकि पैसे की जो कालाबाजारी है वो खत्म हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। धन्यवाद।